हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम एडियो। पेंडुलम एडियो पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 31 अक्टूबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। ये करंट अफेयर्स आप जाकर वेबसाइट pendulummedia.com पर पढ़ सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्विजेज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो RRB NTPC के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज का पैकेजेस है, शताब्दी एंड दुरंतो पैकेज, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको वेरियस मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मिनी टेस्ट भी होंगे और साथ ही करंट अफेयर क्विजेस भी अवेलेबल होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो जल्दी से आप जाइए और उसको वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे, आपको रियल एग्ज़ाम फील मिलेगी। एंड इसके अलावा जो बच्चे CGL टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टीयर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो टीयर 2 का इंग्लिश का क्रैश कोर्स है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो ज़रूर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अच्छा स्कोर करने के लिए एक्चुअल एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग प्रीवियस डे की न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट नोटिफाइड न्यू लैंड लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड रिमूव परमानेंट रेजिडेंट एज क्राइटेरिया। तो सरकार ने कुछ नए लैंड लॉज पास किए हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर और अब जो ये क्राइटेरिया था फॉर द परमानेंट रेजिडेंट के वहाँ पर जो स्थाई निवासी हैं सिर्फ वही लैंड को खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई इन्वेस्टर है जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहता है वो भी जम्मू और कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी क्लैरिटी दी हुई है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड को सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो ही खरीद सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ IAEA विच इज़ द वॉच डॉग ऑफ UN फॉर एटॉमिक एनर्जी। इसने अभी देखा कि ईरान जो है एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है जहाँ पर लो एनरिच यूरेनियम को इकट्ठा किया जा रहा है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट सफिशेंट टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन ये पाया गया है नटांस जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसके वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी मिली है, ठीक है। द प्रेजिडेंट इशूड एन ऑर्डिनेंस फॉर सेटिंग अप कमीशन टू मैनेज एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड NCR रीजन्स एंड नियर बाई रीजन्स। तो एक कमीशन को सेटअप करने के लिए प्रेजिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है। इसमें चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कुछ मेंबर्स होंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे और इसरो के भी कुछ एक्सपर्ट्स इसमें शामिल रहेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो एयर क्वालिटी जो डिटेरियरेट हो रही है दिल्ली NCR और नियर बाई रीजन्स में, उस पर एक्शन लेने के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए ये कमेटी जो कमीशन है ये बनाया गया है एंड इसको पूरी पावर दी गई है कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं इन दीज एरियाज। नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्रेटरी। कौन है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी? डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं, उन्होंने अपनी 7-day विजिट जो है वो स्टार्ट कर दी है। ये फ्रांस, जर्मनी एंड UK विजिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैसे जो भी बायलेटरल रिलेशंस उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ ACER सर्वे, जो एनुअल सर्वे होता है, स्टेट ऑफ एजुकेशन सर्वे। इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि 20% जो ग्रामीण बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो रूरल स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको COVID-19 इम्पैक्ट की वजह से कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं मिली हैं, ठीक है। और क्योंकि स्कूल्स बंद रहे तो उनको एक्सेस नहीं था, ऑल दो स्मार्टफोन्स उनके पास अवेलेबल थे, लेकिन उसके बावजूद भी 1/3 ऐसे बच्चों को कोई लर्निंग मटेरियल नहीं मिला और कुछ बच्चों ने जिस वीक में ये सर्वे किया गया उस टाइम पर कोई भी लर्निंग एक्टिविटी नहीं की। ACER जो है सर्वे है इसको NGO प्रथम जो है जारी करता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रिलीजेस कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी सर्कुलर ऑफ 2020। तो इससे पहले जो कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी सर्कुलर था वो 2017 में रिलीज़ किया गया था और अब ये 2020 में रिलीज़ किया गया है और इसमें गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट की होती है रिलेटेड टू FDI के कौन से क्षेत्र में कितनी FDI अलाउ की गई है, तो उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पर होता है इसमें।
नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूके साइन एग्रीमेंट्स एट 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग. तो यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में डिफरेंट एग्रीमेंट्स पे साइन किया गया, ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया ताकि जो गिफ्ट सिटी है गुजरात की उसको और तेज़ी से डेवलप किया जा सके और उसको एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर बनाया जा सके, ठीक है. तो इस तरह के कुछ कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुए थे. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट. और ये जो रिपोर्ट है इसको नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया ने मिलकर जारी किया है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो 87% पीपल हैं उनको ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी तक एक्सेस है और 92% पीपल, जो सर्वे सैंपल यहाँ पे लिया गया उसके हिसाब से 92% पीपल जो है उनको विदिन 50 meters ऑफ देयर प्रमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको भी यहाँ पर सराहाया गया है इस रिपोर्ट में, कि जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इनने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने में. नेक्स्ट इज 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड वॉज होस्टेड बाई इंडिया. भारत ने इस मीटिंग को होस्ट किया. एंड SCO की हम बात करें तो पहले तो यहाँ पर मीटिंग के दौरान 4 डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए. स्टेटमेंट ऑफ कॉपरेशन रिस्पॉन्स ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, स्टेटमेंट ऑन कॉपरेशन ऑन IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, स्टेटमेंट ऑन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ SCO कंट्रीज एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOU. तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अडॉप्ट किए गए. SCO की हम बात करें तो 2001 में इसको अनाउंस किया गया था इसका क्रिएशन, और इसमें अभी 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में है. नेक्स्ट इज CIC दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. इसने नोटिस जारी किए टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ऑफ MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को, क्योंकि किसी ने इनसे सी की थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरोग्य सेतु ऐप अंडर RTI एक्ट, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं इन्फॉर्मेशन पास ऑन की, तो उसी के चलते CIC ने नोटिस इशू किया है. तो चलिए हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं. यू टू अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ US एंड ब्रिटेन इन इट्स जॉइंट डिफेंस पैक्ट्स. तो जो भी जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसमें यूरोपियन यूनियन अपने नॉन मेंबर्स को, जैसे कि US एंड ब्रिटेन, इनको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करेगा. और ये एक्सेप्शनल बेसिस पे उनको परमिशन दी गई है, बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स. एंड फ्यूचर में भी कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर्स या वेपर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसमें भी इनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है. दे विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सच प्रोजेक्ट्स. मई 2020 में यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया कि जो 8 बिलियन यूरोज हैं EU के, वो नेक्स्ट बजट के, उनको देट शुड बी कैप्ड ऑन अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री EU डिफेंस फंड, ठीक है. तो जो नेक्स्ट बजट जो यूरोपियन यूनियन ने डिफाइन किया था उसमें से 8 बिलियन यूरोज जो हैं वो EU डिफेंस फंड के लिए रखे जाएंगे. इन दिसंबर 2017 EU डिफेंस पैक्ट विच इज़ नोन एज परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन वॉज लॉन्च. 2017 में EU का जो डिफेंस पैक्ट है जिसका नाम PESCO या फिर परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन है, ये लॉन्च किया गया था. इट एम्स टू हेल्प द EU इन फंडिंग, डिप्लॉइंग एंड डेवलपिंग आर्म फोर्सेस टुगेदर. तो इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ को एक साथ सशस्त्र बलों को वित्त पोषित करने, तैनात करने और विकसित करने में मदद करना है. बात करें हम यूरोपियन यूनियन की तो पहले ये 28 मेंबर स्टेट्स थे इसमें, लेकिन ब्रिटेन के एग्जिट के बाद, दैट इज ब्रेग्जिट के बाद, यहाँ पर 27 मेंबर स्टेट्स रह गए हैं. एंड ये जो कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं ये मेनली यूरोप में लोकेटेड हैं. ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है. ये 1 November 1993 में फाउंड किया गया था. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है. यूरोपियन पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन. इसकी लेजिस्लेटिव बॉडी है यूरोपियन पार्लियामेंट. एंड अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन इट अप्रूव्स लॉज प्रपोज बाय द यूरोपियन कमीशन. तो यूरोपियन कमीशन जो भी लॉ को अप्रूव करती है
ये लॉ को अप्रूव करती है जो भी प्रपोज किए जाते हैं बाय द यूरोपियन कमीशन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था, जब यूरोपियन पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स ने कहा था कि जो पाकिस्तान है उस पे और स्ट्रिक्टनेस बरती जानी चाहिए, क्योंकि उसको फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा था। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर डिड द यूरोपियन यूनियन लॉन्च इस डिफेंस पैक्ट नोन एज परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन? किस वर्ष यूरोपीय संघ के रक्षा समझौते, जिसे स्थायी संरचित सहयोग के रूप में जाना जाता है, लॉन्च किया गया? 2017, 2018, 2019 एंड 2020। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 2017। नेक्स्ट इज, अ नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन लोग ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, विच इज़ नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। एंड इसको लॉन्च करते हुए साथ में जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने एक इन बुक, यानी कि एक बुक है दैट इज इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज, ये लॉन्च की, जिसमें जो भी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सब उसमें मेंशन है। एंड ये जो नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसमें एक सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, और दिस विल प्रोवाइड फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एट ईच लेवल। ये प्रत्येक स्तर पर व्यापक परीक्षा के लिए भी प्रदान करता है। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 2018 का, उसमें ये कहा गया था कि अगर इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है फॉर सस्टेनिंग इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बाय 2040। ठीक है, नीति आयोग की हम बात करें तो ये 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था और इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। करेंटली वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की हम बात करें तो ये 1997 में स्टैब्लिश हुई थी, एंड इंडियन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय एसोचैम, सीआईआई, फिक्की एंड गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा ये स्टैब्लिश की गई थी, सरकार के द्वारा और एसोचैम, सीआईआई और फिक्की के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका मकसद नेशनल वेलबींग के लिए काम करना है एंड इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टोटल इसमें 38 मेंबर्स हैं। चेयरमैन यहाँ पर आदिल जैनुल भाई हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क? निम्नलिखित में से किसने नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नीति आयोग एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नीति आयोग, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड मॉस्पी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। किसने लॉन्च किया है, NPMPF? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 30 अक्टूबर को होती है। वो इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दैट इज बार्क के वो फाउंडिंग डायरेक्टर थे। उनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 1967 को हुई थी 1966 को हुई थी। एंड ही एनविजन इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो उन्होंने भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। एंड ही एम्फसाइज द यूज ऑफ इंडियाज ह्यूज थोरियम रिजर्व रेदर देन इट्स इनएडिक्वेट यूरेनियम रिजर्व फॉर पावर जनरेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरेनियम इंडिया इम्पोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम रिजर्व उतने नहीं हैं, बट थोरियम रिजर्व यहाँ पर ज़्यादा है भारत में। तो उन्होंने कहा था कि भारत जो है अपने थोरियम रिजर्व का इस्तेमाल करे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रेदर देन बींग डिपेंडेंट ऑन द यूरेनियम रिजर्व।
उन्होंने एडम प्राइज जीता था 1942 में और पद्म भूषण जीता था 1954 में। उनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था 1951 में और 1953 से 1956 तक। क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जे बाबा, सतीश धवन, राजा रमन्ना एंड APJ अब्दुल कलाम। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज होमी जहांगीर बाबा। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज द नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी NABCB, उसने एक्रेडिशन दिया है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को, विच कैरीज आउट इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स फॉर स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक WDRA एंड FSSAI। तो ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, इसको एक्रेडिशन मिल गया है बाय द एक्रेडिशन बोर्ड। एंड ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ये डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जो वैधानिक निकाय हैं उनके यहाँ पे इंस्पेक्शन या ऑडिट करती है। जो ये एक्रेडिशन दिया गया है, ये ISO सर्टिफिकेशन है 17020.2012, जो कि एक स्टैंडर्ड है फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ बॉडीज डूइंग इंस्पेक्शंस एंड इम्पार्शियलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इंस्पेक्शंस डन बाय देम। ठीक है, तो ये एक प्रमाण जैसा होता है कि जो निरीक्षण जो कर रही है निकाय, ठीक है, उसकी क्षमता है निरीक्षण करने की और उन्होंने निष्पक्षता रूप से जो काफ़ी इंस्पेक्शंस किए हैं। द एक्रेडिशन इज फॉर डूइंग इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट एंड साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये जो एक्रेडिशन दिया गया है, ये इंस्पेक्शन करने के लिए दिया गया है, ऑडिट करने के लिए दिया गया है फूड सेफ्टी ऑडिट का और साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ये जो एक्रेडिशन है, ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि ये जो एक्रेडिशन है कितने साल के लिए वैलिड रहेगा। NPC इज एम्पैनल्ड विद वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एज एन एक्रेडिशन एंड इंस्पेक्शन एजेंसी सिंस 2011। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को 2011 से वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एक मान्यता और निरीक्षण एजेंसी के रूप में, और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ऑडिटिंग एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो FSSAI के साथ ऑडिटिंग एजेंसी और WDRA के साथ एक्रेडिशन और इंस्पेक्शन एजेंसी। नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड की हम बात करें तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का पार्ट है। इसका जो गवर्निंग बोर्ड है उसमें 18 मेंबर्स होते हैं और जो चेयरमैन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को नॉमिनेट करते हैं और ये डिफरेंट जो भी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ या इंस्पेक्शन बॉडीज़ होती है उनको एक्रेडिशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, एक्रेडिशन का मतलब सिंपल से यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी बॉडी है वो किसी को सर्टिफिकेट दे सकती है, किसी के यहाँ जाके इंस्पेक्ट कर सकती है, नहीं तो उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर उनको एक्रेडिशन मिला हुआ है, इसका मतलब कि वो सक्षम है जाके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए और इंस्पेक्शन करने के लिए, ऑडिट करने के लिए किसी भी जगह पर। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये 1958 में इसका गठन हुआ था और ये एक ऑटोनोमस ट्राईपार्टाइट, मतलब जिसमें 3 पार्टीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ग्रांटेड एक्रेडिशन बाय द नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी। नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा निम्नलिखित में से किसे मान्यता दी गई है? नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट थ्रू विच मैसेजिंग कैन बी डन ईजिली। इसमें क्या होगा? एंड टू एंड सिक्योर वॉइस टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विसेज होगी। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसा आप व्हाट्सएप वगैरह में भी देखते होंगे, वहाँ पे लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब ये होता है कि आप
जिन दो यूजर्स के बीच में, दो पार्टीज के बीच में अगर कोई मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं तो कोई थर्ड पार्टी उनको एक्सेस नहीं कर सकती, उनको रीड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये जो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है SAI, तो ये भी एक इसी तरह का ऐप है जिसमें जिसको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट का इस्तेमाल करके यूज़ किया जा सकता है और इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा। इट इज़ सिमिलर टू द मैसेजिंग एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद एंड गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो बाकी मैसेजिंग एप्स की तरह ही है। एन ऑडिटर एम्पैनल्ड बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हैज़ असिस्ट SAI। तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा सूचीबद्ध एक लेखा परीक्षक ने SAI का आकलन किया है। द आर्मी विल यूज SAI टू फैसिलिटेट सिक्योर मैसेजिंग विद इन द सर्विस। तो सर्विस के अंतर्गत इंडियन आर्मी इसको यूज करेगी। एंड इसको बनाया किसने है, जो कर्नल शाही शंकर हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया है, ऐप को डेवलप किया गया है। इसी तरह से एक संवाद, एक कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप है जिसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है संवाद से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐप्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड लॉन्च बाय इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा विकसित और लॉन्च किए गए सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग का क्या नाम है? सिक्योर एंड सिंपल संवाद, आर्मी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट एंड इनक्रिप्टेड आर्मी मैसेजिंग सिस्टम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जिनके पास मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी है, उन्होंने वर्ल्ड की पहली साइंटून बुक जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है बाय बाय कोरोना। ठीक है, यहाँ पर आप साइंटून से समझ सकते हैं कार्टून एंड साइंस। ठीक है, तो साइंस और कार्टून से मिलकर बना है साइंटून, जिसमें साइंस भी है और उसको साइंस को कार्टून की हेल्प से समझाया गया है। तो इस बुक का नाम है बाय बाय कोरोना और इसको साइंटोनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि फॉर्मर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे CSIR CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने इस बुक को लिखा है। एंड इसके अलावा इस बुक को लॉन्च किया गया है, पब्लिश किया गया है बाय विज्ञान प्रसार। ठीक है, विज्ञान प्रसार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, एक स्वायत्त निकाय है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अच्छा, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इस बुक का कि ये बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोरोना की बात की गई है, नोवल कोरोना वायरस की, कि क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है और कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में उससे डील कर सकते हैं। और इसके अलावा इस बुक को जल्द ही ब्राज़ील में भी रिलीज़ किया जाएगा और हो सकता है इसको पोर्तुगीज लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके अंडर द ब्राज़ील इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम। ये देखिए, ये बुक है वो बाय बाय कोरोना। क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लॉन्च होने वाली दुनिया की पहली साइंटून पुस्तक का शीर्षक क्या है? गो कोरोना गो, COVID-19 पेंडेमिक, कोरोना फ्री इंडिया एंड बाय बाय कोरोना। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बाय बाय कोरोना। नेक्स्ट इज इसरो विल लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट EOS-01 एंड 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेस क्राफ्ट थ्रू PSLV-C49 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो 7 नवंबर को इसरो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जिसका नाम EOS-01 है इसको लॉन्च करेगा और इसके साथ साथ जो 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेस क्राफ्ट हैं उनको भी लॉन्च करेगा बाय PSLV-C49। एंड COVID-19 लॉकडाउन के बाद ये पहला लॉन्च होगा। EOS-01 दैट इज ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाएगा। जो ये कस्टमर सेटेलाइट्स होती हैं इनको कमर्शियल एग्रीमेंट के अंतर्गत लॉन्च किया जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ जो है एग्रीमेंट में किया गया है।
सो दिस विल बी द 51st मिशन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का ये 51वां मिशन होगा। PSLV की हम बात करें तो ये एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है भारत का, और ये पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें सारे लिक्विड स्टेजेस हैं। इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का टाइटल भी दिया गया है, ठीक है, इसकी इसके रिजल्ट्स और इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में 1750 किलोग्राम ऑफ पेलोड जो है वो ले जा सकती है ऑफ 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। एंड अभी जो मोस्ट सक्सेसफुल मिशन रहे हैं भारत के, जैसे चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था, और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 में जो लॉन्च किया गया था वो PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल अपनी रही है, एंड इस वर्ष जो ये लॉन्च हो जाएगा जब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका ये 51st लॉन्च होगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की हम बात करें तो ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे वेदर मॉनिटरिंग करना, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करना, मैपिंग करना, इन सब के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे कार्टोसैट 3 है, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, रिसेट 2 भी है, स्कैटसैट है, तो ये सारी ही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। इसरो की हम बात करें तो एक स्पेस एजेंसी है भारतीय सरकार की, जिसको 1969 में फाउंड किया गया था बाय विक्रम साराभाई। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और करंट डायरेक्टर यहाँ पर K.Sivan है। क्वेश्चन आपके लिए, इसरो हैज अनाउंस टू लॉन्च एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? EOS-01, Kalpana-1, Apple-3 एंड Cartosat-4। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज EOS-01। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन मेरी सहेली। तो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। तो ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो वुमेन अकेले ट्रैवल करती हैं, लेडी पैसेंजर्स, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। एंड द पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव इज फोकस्ड एक्शन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन अक्रॉस ऑल जोन्स। तो जितने भी रेलवे जोन्स हैं वहाँ पर जो भी वुमेन हैं उनकी सिक्योरिटी को एंश्योर करना है। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक इनिशिएटिव है, रेलवे सुरक्षा बल की एक पहल है। इस इनिशिएटिव में क्या होगा, जो भी यंग लेडी RPF पर्सोनल है उनकी एक टीम बनाई जाएगी जो लेडी पैसेंजर से इंटरेक्ट करेंगी, बात करेंगी, स्पेशली जो अकेले ट्रैवल कर रही हैं, और उस समय में जब वो बात करेंगी तो उनको प्रिकॉशंस बताएंगी कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में। इसके अलावा उनको 182 डायल करने के लिए बोला जाएगा जो भी अगर उनको कोई इशू आ रहा है किसी भी कोच में, एंड जो भी स्टॉपेजेस हैं रूट पे उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो भी लेडीज़ हैं उनका सीट नंबर टीम नोट करेगी। RPF टीम्स विल ऑल्सो टेक फीडबैक, जब वो डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुंच जाएंगी लेडीज़, देन उनसे RPF टीम्स फीडबैक लेगी कि कैसा आपका सफ़र रहा, कोई दिक्कत तो नहीं, उस टाइप से करके। दिस इनिशिएटिव, ये पहले पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया गया था साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा सितंबर 2020 में, अब जो है इसको सब जगह एक्सटेंड कर दिया गया है। 17 अक्टूबर से ये सारे ही जोन्स में एक्सटेंड हो गया है, इंक्लूडिंग कॉनकन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की हम बात करें तो ये रेलवे पुलिस फॉर्म हुई थी 1854 में और इसको लीगल स्टेटस दिया गया था अंडर द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। दिस वॉज एस्टैब्लिश एज RPF अंडर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट ऑफ 1957। The force has the task to ensure the protection of railway property and to protect against related crimes. तो बल के पास रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संबंधित अपराधों से बचने के लिए कार्य है। एंड इसके पास पावर है कि खोज कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है, जांच कर सकता है और मुकदमा चला सकता है। क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन रेलवे स्टार्टेड द मेरी सहेली इनिशिएटिव एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन सितंबर 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स? भारतीय रेलवे ने सितंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मेरी सहेली पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की थी? साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवेज एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज दक्षिण पूर्व
रेलवे। नेक्स्ट इज SERB पावर इनिशिएटिव इज प्लान्ड एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन साइंटिस्ट। तो अभी जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है SERB पावर, दैट इज प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना, क्योंकि ये देखा गया है कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है इन फील्ड ऑफ साइंस वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जो इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, और जो SERB है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैट्यूटरी बॉडी है और आशुतोष शर्मा इसके चेयरमैन हैं। ये जो SERB पावर स्कीम है इसमें दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक तो ग्रांट्स है और एक फेलोशिप है। साल में 25 फेलोशिप दी जाती हैं और जो ग्रांट्स होते हैं वो टोटल 50 दिए जाते हैं लेवल वन और लेवल टू को मिलाकर। विमेन इन साइंस की हम बात करें तो अगर हम कहें कि 58 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो उसमें से 31 मिलियन जो है वो केवल महिलाएं हैं। एंड अगर टोटल हम रिसर्चर्स की बात करें वर्ल्ड में तो उसमें से सिर्फ 30% महिलाएं हैं। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन रोल ऑफ विमेन्स रिसर्च में कम है। इसके अलावा भारत की रैंक 112 थी इन टर्म्स ऑफ विमेन इन साइंस। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम बात करें कि साइंस की फील्ड में ग्रेजुएट्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेशन कितना है, तो हर नौ मेन में से एक जो मेन है वो साइंस अडॉप्ट करता है फॉर द ग्रेजुएशन, वाइल हर 14 में से एक वीमेन जो है वो साइंस अडॉप्ट करती है फॉर ग्रेजुएशन। इसी तरह से इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेशन देखें तो 5 in 1 मेन है और वीमेन का देखें तो 20 in 1 वीमेन है। इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन है वीमेन का इन टर्म्स ऑफ रिसर्च वो भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हर लेवल पे, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्चेस, हर लेवल पे वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, बीट प्राइमरी लेवल, वहाँ पे अगर वीमेन जो है ज़्यादा पढ़ेंगी, ठीक है, तो फिर आगे जाके वही लोग अडॉप्ट करेंगे, अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे, अपने ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। एंड उसमें स्कूल लेवल पे भी साइंस को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए। इसी तरह से देन ग्रेजुएशन लेवल में प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए कि वो साइंस या इंजीनियरिंग जैसे या रिसर्च की फील्ड में वो अपना योगदान दें। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च द SERB पावर इनिशिएटिव एक्सक्लूसिवली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष रूप से SERB पावर पहल शुरू की है? विमेन साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट, स्कूल चिल्ड्रन चूजिंग साइंस एंड साइंटिस्ट फ्रॉम SCs एंड STs। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज विमेन साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के केशुभाई पटेल, उनका हाल ही में निधन हो गया एट द एज ऑफ 92। वो BJP से पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनको केशु बापा यानी एज फादर विच मीन्स फादर के नाम से भी जाना जाता था। एंड वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे 1995 में 1998 में। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेम्बर्स ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के वो फाउंडर मेम्बर थे और उसके प्रेसिडेंट भी रहे फ्रॉम 1972 टू 1975। उन्होंने 5 बारी असेंबली इलेक्शंस जीते फ्रॉम गोंडल, कलवाड, तंकारा एंड विश्वदार। इसके अलावा वो फॉर्मर MP भी रह चुके हैं राज्यसभा से फ्रॉम 2003 टू 2009। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये है केशुभाई पटेल। क्वेश्चन है, रिसेंटली केशुभाई पटेल पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित थे? ऑथर, डायरेक्टर, पॉलिटिशियन एंड स्पोर्ट्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, यहाँ पर दो मेमोरेंडम अप्रूव किए गए हैं यूनियन कैबिनेट के द्वारा। एक तो है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन
जो इंडिया और जापान के बीच हुआ है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एंड दूसरा जो इंडिया और कंबोडिया के बीच में MOU साइन हुआ था उसको भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, विच इज़ इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। ये जो ICT में है इसमें क्या होगा कि 5G नेटवर्क, सबमरीन केबल, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज, ICTs, ICT कैपेसिटी बिल्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी फील्ड्स में क्या होगा, दोनों देशों के बीच कॉपरेशन किया जाएगा। इससे जो भारत का ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा और कनेक्टिविटी भी इससे बेहतर होगी, रिमोट एरियाज तक कनेक्टिविटी मिलेगी। इंडिया एंड जापान आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स और इस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन की वजह से उनके जो रिश्ते हैं इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस वो और बेहतर होंगे। इससे इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में जाने का मौका मिलेगा। एंड इंडिया एंड जापान हैव ऑल्सो साइन मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो ICT के अलावा साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में भी यहाँ पे साइन हुआ है एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। जापान की हम बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है जो कि ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, एंड इसके अलावा ये अपना जो मैरिटाइम बॉर्डर है ये सी ऑफ जापान, इधर सी ऑफ ओकस तक ऊपर है, देन ईस्ट चाइना सी, और इसके अलावा ताइवान के साथ ये शेयर करता है अपना मैरिटाइम बॉर्डर। इसकी कैपिटल टोक्यो है एंड करेंसी जापानीज येन है। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके, योशिहिदे सुगा हैं, जिन्होंने इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिप्लेस किया, कौन थे वो, शिंजो आबे। क्वेश्चन है, अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड डैश, भारत और डैश के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कैबिनेट द्वारा सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। साउथ कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज जापान। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी जो मैंने अभी डिस्कस किया था, एंड ये जो MOU है ये 5 साल के लिए प्रभावी रहेगा, इट विल रिमेन इफेक्टिव फॉर 5 ईयर्स। इसकी वजह से भारत और कंबोडिया के बीच में जो भी एफर्ट्स हैं उसमें कॉपरेशन बढ़ेगा, जो विच इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर। कुछ एरियाज हैं जहाँ पर भारत और कंबोडिया के बीच में कॉपरेशन है, जैसे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, डिजीज कंट्रोल, मेडिकल एजुकेशन एटसेट्रा, जैसे माँ और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल, रोग नियंत्रण, चिकित्सा शिक्षा आदि शामिल हैं सहयोग में। कंबोडिया की हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, ये अपना बॉर्डर इधर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ शेयर करता है, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको नजर आ रहा होगा। एंड इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है और जो कैपिटल है वो नॉम फे है, एंड इसकी करेंसी रियल है, RIEL रियल। किंग यहाँ पर नॉर्दोम सिहामोनी है एंड प्राइम मिनिस्टर हुन सेन है। कंबोडिया जो है वो आशियान का एक मेंबर है, ठीक है, आशियान कंट्रीज़ जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जो लोकेटेड कंट्रीज़ हैं जिसमें थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इसके अलावा म्यांमार, ये सारी कंट्रीज शामिल हैं, इंडोनेशिया भी है, एंड इसके अलावा ये NAM का भी मेंबर है जिसमें भारत भी एक मेंबर है और यूनाइटेड नेशंस का भी ये मेंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया फॉर कॉपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, ICT, हेल्थ एंड मेडिसिन, डिफेंस एंड एजुकेशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हेल्थ एंड मेडिसिन, स्वास्थ्य और चिकित्सा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी न्यूज़ हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।
इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।